हेलो फ्रेंड्स, आर्क के खतरनाक क्रिएचर की लिस्ट में आपने एलोसोरस का नाम सुना ही होगा, जिसको हम आज फर्स्ट टेम करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ मैं लोकेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि कार्नो आइलैंड, वहाँ पर आपको कभी कभी एलोसोरस देखने को मिल जाएगा। और ये है ग्रिफिन माउंटेन, यहाँ पर भी आपको एलोसोरस देखने को मिल जाएगा। और मेरे सभी लोकेशन पर आपको एलोसोरस मिलेगा, क्योंकि एलोसोरस जहाँ पर खतरा ज़्यादा होता है वहाँ पर एलोसोरस स्पॉन लेते हैं, मतलब हाई हिल, हाई माउंटेन। और कभी कभी देखा जाए तो हम एलोसोरस को टेम कर नहीं पाते, क्योंकि ज़्यादा रिस्क हो जाता है और ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो इन सभी खतरों से निपटते हुए इजीली आप किस तरीके से एलोसोरस को आप सिर्फ टेम ही नहीं फर्स्ट टेम कर सकते हो, वो भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ आज के इस सफ़र में। तो आप लोकेशन अच्छे तरीके से देख लो, क्योंकि लोकेशन देखना भाई बहुत ज़रूरी है, और कहाँ पर मिलेगा यही देखना बाकी है। लेकिन दोस्तों, हर एक प्लेस पर आप एलोसोरस को टेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि खतरा होने के कारण एलोसोरस को हम कभी कभी टेम नहीं कर पाते। लेकिन आज के सफ़र कंप्लीट होने के बाद ऐसा कोई बंधन है जिसके पास एलोसोरस नहीं होगा, क्योंकि भाई मस्त ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और कहाँ से टेम करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है ये भी देखना बाकी है। और एलोसोरस का आप कई तरीके से आप ट्रेम कर सको, आज के सफर में हम ये भी जान पाएंगे कि कितने तरीकों से इजीली हम एलोसोरस को ट्रेम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। और आप चाहो तो पैटर्न लेके भी आप आ सकते हो भाई। एलोसोरस को ट्रेम करने के लिए डायनो की नहीं, मतलब कोई क्रिएचर की नहीं, बस प्लानिंग की ज़रूरत है। ये प्लानिंग ही बहुत काम आता है बाद में। तो पहले मैं ढूँढ लेता हूँ अगर यहाँ पर मिल जाए। और यहाँ पर गीगा भी स्पॉन लेता है ये लावा माउंटेन के सामने, जो ये माउंटेन है, मैं यहाँ पर हूँ। और ज़्यादातर एलोसोरस पैक में स्पॉन लेते हैं, मतलब 3, 4, 5, 6 एक साथ स्पॉन लेते हैं। और एक के पास पैक बूस्ट भी रहता है, जो हाई लेवल होता है उसके पास पैक बूस्ट रहता है, जिसको आप अल्फा एलोसोरस भी कह सकते हो। मतलब कि अल्फा की तरह शरीर से लाल नारंगी जैसा धुआं जैसा निकलता है, जिनको हम अल्फा कहते हैं, अल्फा क्रिएचर ऐसा ही है। ये भी एलोसोरस के पास रहे, ये देखो भाई इसका ये पैक बूस्ट। तो यहाँ पर मुझे फाइनली मिल चुका है एलोसोरस, और भाई एक हाई लेवल तो मिल चुका है, 290 लेवल, भाई क्या बात है। तो अभी तरीका कौन सा है जिससे हम एक को या इन सभी को हम टेम कर सकते हैं, ऐसा तरीका कौन सा है? तो चलो भाई देख लो भाई, पहले आप अच्छी तरीके से लोकेशन अच्छी तरीके से देख लो, मैं कहाँ हो के कहाँ जा रहा हूँ। मैं जहाँ पर जा रहा हूँ भाई, ये ग्रिफिन माउंटेन के नीचे जो छोटा सा रिवर हो के निकलता है, हाँ भाई देख लो अच्छी तरीके से, मैं यहाँ पर ही हूँ। आपको इस प्लेस को ढूँढना है, और ढूँढने के बाद पहले आपको एक ट्रैप बनाना है। और इस प्लेस में ट्रैप बनाना भाई बहुत ही मस्त प्लेस है। और ट्रैप बनाने के बाद आप चाहो तो एक या दो तीन, आप चाहो तो पूरे टीम को आप, मतलब एलोसोरस के पूरे टीम को आप टेम कर सकते हो। तो ये प्लेस को थोड़ा सा पहले देखना है, और चाहो तो थोड़ा सा क्लियर भी कर लेना चाहिए भाई। और यहाँ पर मैं कब ना जाने ये ट्रैप लगा के चला गया था, और कौन सा क्रिएचर को मैंने टेम किया था ये भी मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो ये छोटे मोटे ट्रैप से काम नहीं चलेगा बंदू, इसके लिए एक बड़ा सा एक प्लानिंग की ज़रूरत है। तो पहले ये देखो, ये ओ भाई इनको पहले साइड कर लो भाई, ये रैप्टर है भाई, बहुत ही डेडली मॉन्स्टर है ये आर्क में, बहुत ही फर्स्ट है रैप्टर। तो इनसे थोड़ा सा पहले निपट लो। अरे भाई लग जा रही यार, शायद शॉट मेरा अच्छा था, देख लूँ। हाँ भाई ये लुढ़क चुका है। ओ भाई ये देखो भाई, मेरा ट्रैप तोड़ने के बाद वो ये दूसरा भी आ चुका है। तो पहले कर लेते हैं प्लेस को क्लियर। हाँ भाई प्लेस क्लियर हो चुका है, तो अभी सब कुछ ठीक है। और पहले तो आपको एक चाहिए वेमथ स्टोन डायनासोर गेटवे, जो एक ये सामने की तरफ लगा लेना है बंधु। पहले आप देख लो अच्छी तरीके से, देखो तो ही समझ पाओगे। हाँ ये वेमथ स्टोन डायनासोर गेटवे लगाने के बाद अभी ठीक है, और अभी हमको लगाना है वेमथ स्टोन रेनफोर्स डायनासोर गेट, मतलब एक गेट लगा लेना है। और गेट लगाने के बाद ये जो हमको जो डायनासोर स्टोन डायनासोर गेटवे मिलता है,
इनको लगा लेना है। आप देखो ट्रैप मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, क्योंकि इस ट्रैप में आप चाहो तो एक एलोसोरस को या चाहो तो पूरी टीम, पूरी सेना को आप यहाँ पर ट्रेन कर सकते हो। और इस सफर में मैं और दो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जिससे आप एलोसोरस को टेम कर सकते हो। तो ये एक तरीका है। और अभी यहाँ पर हम लगाएंगे ये जो हमने स्टोन डायनासोर गेटवे लगाया, ये इस गेट के बीच में हमको पिलर लगा देना है 3 स्टेप करके, ताकि एलोसोरस यहाँ से निकल ना सके। तो हमारा यहाँ पर ट्रैप कंप्लीट हो चुका। और अभी टाइम है दोस्तों एलोसोरस को थोड़ा सा एग्रो बनाना और अपने ट्रैप की तरफ ले जाना। देखो भाई यहाँ पर मैंने जहाँ पर ट्रैप बनाया था ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बस किसी भी तरीके से एलोसोरस का एग्रो बनाए रख कर आप अपने ट्रैप पर उसको डालना है। लेकिन ये कहाँ से आ गया भाई, मुझे तो 290 लेवल वाला चाहिए। वो कहाँ है, वो तो मेरे पीछे आ रहा था, लेकिन अभी ओ भाई आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अभी इसका ज़रूरत नहीं, मैं एक ही टेम करूँगा। और आप सोच रहे हो कि एक टेम करने के बाद ये जो पैक बूस्ट मिलता है जैसे कि अल्फा की तरह, मेरा एलोसोरस क्या बन पाएगा? हाँ बंधु बन पाएगा, ज़रूर बन पाएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। तो जल्दी से एलोसोरस को कर लेना है ट्रैप। ये देखो भाई ट्रैप हो चुका है। और अगर आप चाहो तो आप ग्रीफिन से भी आप एलोसोरस को टेम कर सकते हो। अगर आपके पास ग्रीफिन है तो आप ऊपर से आपको जो भी पसंद है, मतलब जितने लेवल का आपको मिला अगर पसंद आया, तो आप इसको इस तरीके से ग्रीफिन के ऊपर बैठकर भी आप अपने लॉन्ग नेक राइफल के साथ ट्रायंगुलर डॉट यूज़ करके अनकॉन्शियस करके बस फुट खिला देना है भाई, और एलोसोरस हो गया अपना। लेकिन मैं जो तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उस तरीके में अगर आपके पास ग्रीफिन नहीं है तब भी आप एलोसोरस को टेम कर पाओगे। और इस सिचुएशन में आपका एलोसोरस नॉक होने के टाइम पर आपको भगाता रहेगा, मतलब भाई भागते हुए टेम करना है। और मेरे इस तरीके में आपके पास अगर ग्रिफिन नहीं है कोई बात नहीं है। ये देखो भाई मैंने स्लिप एक ले लिया है और अभी इसको करना है फर्स्ट टेमिंग। और यहाँ पर मैं लॉन्ग नेक राइफल के साथ ट्रैंक्विलाइजर डॉट यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपको एक टेम करना है तो एक को नॉक करना है, दो टेम करना है तो दो को नॉक करना है। तो और मुझे तो चाहिए भाई एक ही भाई, तो दूसरे वाले को मैं भाई हंट कर लिया है। और अभी आपने लॉन्ग नेक राइफल पर लगा लेना है ट्रैंक्विलाइजर डॉट, जिससे कह के हम दूसरे वाले एलोसोरस को करने वाले हैं नॉक। और नॉक करने के बाद हम देंगे इसको टेमिंग फूड। और जितना हो सके एलोसोरस के हेड के ऊपर शॉट लगाने से जल्दी से आपका एलोसोरस भाई नॉक हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर हेड शॉट मारते हो तो जल्दी से आपका एलोसोरस भाई नॉक हो जाएगा। और ये पानी में है तो इसका हेल्थ क्या कम होगा? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक रहेगा। और हमने तो स्लिप ले लिया है तो हमारा एलोसोरस अभी कुछ भी नहीं चाहिए, ओनली फॉर कीबल चाहिए। वो भाई ये नॉक हो चुका है, तो अभी यहाँ पर देना है सिर्फ कीबल विदाउट नार्कोटिक बायोटॉक्सिन सूथिंग बाम, कुछ भी नहीं चाहिए भाई, ओनली फॉर कीबल। तो यहाँ पर इसका फूड लेवल एकदम जीरो हो चुका है। और आप एलोसोरस को टेम करना है तो आपको डिप्लो एक कीबल बना लेना है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो भाई लिस्ट्रो एक, क्या लिस्ट्रो एक से हम एलोसोरस को टेम कर पाएंगे? हाँ भाई ज़रूर टेम कर पाएंगे, फोर्सफुली हम एलोसोरस को लिस्ट्रो एक कीबल से भी टेम कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लो एक कीबल नहीं है तो आप लिस्ट्रो एक कीबल से भी आप एलोसोरस को टेम कर सकते हो भाई। तो यहाँ पर ये देखो मैंने डिप्लो एक कीबल दे दिया है और कितना फास्ट टेम हो रहा है भाई, क्या बात है भाई, ओ भाई ओ भाई, इतना फास्ट टेम। ओ भाई कितना गंदा आवाज है भाई, ये क्या खा रहा है या चबा रहा है भाई? ये कैसा आवाज है भाई? चलो कोई बात नहीं, हमारा तो भाई मिनटों में नहीं भाई, सेकंड में हमारा एलोसोरस टेम हो चुका है। ओ भाई कीबल ले लेता। हाँ तो आप डिप्लो एक केबल से भी आप एलोसोरस को टेम कर सकते हो, और लिस्ट्रो एक केबल से, लिस्ट्रो एक केबल से आप फोर्सफुल एलोसोरस को टेम कर सकते हो। तो ओ भाई क्या बात है, तो ये एलोसोरस तो हो चुका, लेकिन अल्फा की तरह इसका ये जो लाल नारंगी जैसा ये धुआं जैसा निकलता है, ये क्यों नहीं निकल रहा है भाई? हाँ भाई नहीं निकलेगा, सिंगल में टेम करोगे तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास और एक एलोसोरस है, मैं इसको रिक्वेस्ट भेज दिया है
और तब तक हम देख लेते हैं रेडवुड पर किस तरीके से आप एलोसोरस को ट्रैप करके टेम कर सकते हो। मस्त सफर है भाई। तो मैं पहुंच चुका हूँ अभी रेडवुड पर, और जैसे कि आपको पता है कि रेडवुड पर कई कई प्लेसेस पर आपको ये जो टूटा हुआ ट्री आपको देखने को मिलता है, तो इस ट्री का मदद लेना है। और पिछले वीडियो में मैंने ये डायरबियर को टेम किया था इस टूटे हुए पेड़ की मदद से, इसको हमने ट्रैप के तरह इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर भी हम ये स्टोन डायनासोर गेटवे लगा रहे हैं सामने ये और पीछे की तरफ, ये आपको ये देखो लगा लेना है। और अगर आप भी डायरबियर को फर्स्ट टेम करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लेना किस तरीके से डायरबियर को फर्स्ट टेम किया जाता है और इस पेड़ की मदद से। तो आपको क्या करना है, जिस तरफ से आपको निकलना है उस छोर पर आपको ये पिलर लगा देना है थ्री स्टेप करके, और सामने की तरफ हमको लगाना। ओ भाई ये पैर कहाँ चला गया। और सामने की तरफ हमको एक रेनफोर्स डायनासोर गेट लगा लेना है। और रेडवुड पर कहीं पर भी अगर आपको एलोसोरस मिलेगा तो भाई पैर आपको जहाँ पर ये पेड़ दिखेगा तो वहाँ पर आप पहले ट्रैप बना लो, उसके बाद कहीं से भी भाई आप इसको एग्रो करा के बुला सकते हो। ये देखो भाई कितने दूर से मैंने इसको शॉट मारा है, और अभी देखो ये मेरा पीछे पीछे भाई आएगा भाई, क्योंकि भाई मैं अभी अपने कोई भी माउंट के ऊपर नहीं हूँ, इसलिए ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। मतलब सिंगल होने पर जब तक आपको ये हंट नहीं करेगा तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं दिखाता हूँ भाई, ये देखो भाई आ रहा है। अरे भाई मेरा पानी भी खत्म हो चुका भाई, ये तब तक नहीं आपका पीछा छोड़ेगा। वो भाई क्या बात है, आ चुका है भाई, पेड़ के अंदर आ चुका है। आप देखो भाई मस्त ट्रैप है, मस्त ट्रैप। ओ तेरी की, अभी करना कुछ नहीं भाई, जल्दी से पीछे जाना है। पीछे जाते हुए ओ मुझे डैमेज पड़ चुका है, चलो कोई बात नहीं, पीछे दौड़ते हुए जाना है और इस डोर को बंद कर देना है। और अभी टाइम है इसको नॉक करना। भाई मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ भाई, कब से प्यासा हूँ। और अभी टाइम है इसको नॉक करना, तो आप इसको खिला पिला के मस्त टेम कर सकते हो अपने मूड के हिसाब से भाई, वरना ट्रैप करके छोड़ दो, जब मूड कर तब आके भाई इसको ट्रैप कर लेना, वो मतलब टेम कर लेना। तो देखो इस तरीके से मैंने इसको शॉट दिया है, ये ट्रायंगल का डॉट खा के ये भाई ये बेहोश हो चुका है। और अभी इसको देना है कि भले, ये देखो भाई ये लिस्ट्रो एक से भी टेम होता है, मैं दूसरी बार आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको एलोसोरस को ट्रैपिंग और टेमिंग इजीली कर सकते हो। और ये मेरा दूसरा एलोसोरस आ चुका है, लेकिन भाई मेरा एलोसोरस अल्फा नहीं बना। हाँ अभी बन जाएगा दोस्तों, अभी बन जाएगा, ये देखो। ओ तेरी की भाई, देखो भाई मेरा, देखो मेरा एलोसोरस अल्फा बन चुका है भाई। जिसका लेवल हाई है उसी के पास ये अल्फा ये रहेगा। तो दोस्तों आज के सफर में इतना ही, आशा करता हूँ कि आज के सफर, इस सफर के बाद एलोसोरस को आप इजीली टेम कर सकते हो मेरा तरीका अपनाते हुए, और मेरे इस प्लेसेस पर भी आप एलोसोरस को टेम कर सकते हो। बहुत ही मस्त प्लेस है और मस्त ट्रैपिंग और प्लानिंग है, आप भी ट्राई करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट और एक धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।